हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते ही जा रहे हैं, जहां फरीदाबाद में देर रात भूपानी थाना इलाके स्थित जसाना रोड पर एक शख्स को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि ट्रांसपोर्टर का काम करने वाला रॉकी नागर नाम का एक शख्स अपने ऑफिस को बंद कर घर जाने की तैयारी में था कि तभी लगभग आधा दर्जन बदमाश उसके ऑफिस में घुस आए और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें रॉकी नागर को लगभग 20 गोलियां लगी और उसकी मौत हो गई। मृतक रॉकी नागर के परिजनों का कहना है कि मारने वाले बदमाशों से उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। आरोपी फरीदाबाद के भैंसरावली गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने दूसरे बदमाशों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। संवाददाता का इस घटना पर हमारे संवाददाता संजय गुप्ता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संजय, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये कल रात 9 बजे का मामला है, जहां पे एक युवक जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता था, वो अपनी गाड़ी लोड करवाने के बाद में अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, ऑफिस को बंद करने के लिए। उसके बाद में वहां पे उसके ऑफिस में पहुंचने के बाद में दो कारें और लगातार उनके साथ में दो मोटरसाइकिलों पे 5-6 युवक आते हैं और आते ही वो लगातार धनाधन गोलियां बरसाते हैं, जिसमें 18 से 20 गोली उस युवक को लगती है और वो मौके पे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मामला पूरी तरह गैंगवार का मामला है। इससे पहले इन दोनों परिवारों में आपस में रंजिश चली हुई थी, इसमें एक युवक की हत्या पिछले साल हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए ये युवक आए हुए थे और ये युवक अलग अलग गांव के थे, जिनपे पहले भी कई आपराधिक मामलों के दर्ज होने की अभी तक सूचना आ रही है, लेकिन पूरी तरह पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका हमें ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि फरीदाबाद में किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं।